गुड इवनिंग इंडिया। एक वक्त था जब हम सुनते थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन मौजूदा दौर इनोवेशन का है, जहां पर अब हम सुनते हैं कि आविष्कार रोज नई आवश्यकताओं को जन्म दे रहा है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी प्रयासरत है और इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए इस समय मेरे साथ हैं प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, चेयरमैन AICTE। अनिल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो व्यूअर्स यही जानना चाहेंगे क्या है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जानने के पहले हैकाथॉन को हम समझ लेंगे जी। ये हैकाथॉन की शुरुआत 1999 में कैलगरी में शुरू हुई। सन माइक्रोसिस्टम्स ने एक प्रयोग किया कि इनोवेशन के लिए यानी नया कोई आविष्कार करने के लिए हम अलग अलग लोगों को इकट्ठा लाएंगे तो उसमें से आविष्कार अच्छी तरह से बनता है। तो वही प्रोग्रामर्स हो, उसमें डिज़ाइनर्स हो या और कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो, इनको इकट्ठा लाकर उनसे प्रयास करेंगे तो अच्छा होता है। तो उसके बाद में 2000-2010 तक काफ़ी हद तक धीरे धीरे इसका बढ़ावा होते रहा। कनाडा में हो या यूनाइटेड स्टेट्स में कई यूनिवर्सिटीज़, कई कंपनियाँ इसका इस्तेमाल करते रहे थे। तो 2017 में AICTE ने सोचा कि हमारा एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होना चाहिए। तो इसकी संकल्पना इसलिए थी कि देश में अनेक समस्याएं हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के पास कोई ना कोई औचित्यपूर्ण कुछ सुविधा देने की, उपलब्धता देने की इच्छा होती है, लेकिन वो कैसे दे पाए। तो इसलिए हमने कहा कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हमको दे दीजिए और 29 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने 598 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमको दिए। अच्छा। और हम इनको mygov.in के वेबसाइट के जरिए स्टूडेंट्स को बताया कि इसके आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो कि इंडिया स्पेसिफिक हैं और हैकाथॉन के माध्यम से अब उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे। तो इसलिए हमने जब ये मौका स्टूडेंट्स को दिया तो हमारे यहाँ 40,000 के ऊपर स्टूडेंट्स ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम इसको सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो इनफैक्ट हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था कि एक एक टीम में 6 लोग होने चाहिए, अलग अलग डिसिप्लिन के होने चाहिए और एक उसमें महिला कंपलसरी होनी चाहिए। तो जेंडर डाइवर्सिटी उसमें है, क्रॉस डिसिप्लिनरी टीम्स है। तो ऐसे 15,000 के आसपास जो टीम्स ने ऐसे सोचा कि हमको करना चाहिए, उसमें से 40,000 छात्रों ने जो दिया था उसमें शॉर्टलिस्ट करके हमने 10,000 छात्रों को 26 सेंटर्स में, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जगहों में उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया। हर एक मिनिस्ट्री के लिए एक हाथ सेंटर था, ऐसे किसी जगह में 2 सेंटर्स थे, किसी जगह में 2 यूनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग एक जगह में सेंटर में थे जी। तो हमने पूरे देश भर के जिस छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया था उस 26 सेंटर्स में बुलाया। ये 2017 में जब पहला संस्करण हुआ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, पहला संस्करण, तो उसके आउटकम्स क्या आए? इवेंचुअली जो प्राइज विनर्स भी रहे, जो सॉल्यूशंस आए, फिर उन्हें डेवलप किया गया पिछले साल भर। हाँ, तो उसमें हम हर सेंटर में हमने कहा था कि हम 3-3 प्राइज देंगे, कि पहला प्राइज जो है वो 1,00,000 रुपये का और 75,000 रुपये। ये 3 प्राइज तो प्राइज हो गए, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि जो प्राइज विनर्स है उनमें से हमने कहा कि आप इसको रोबस्ट सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन, क्योंकि 36 घंटे जब नॉन स्टॉप काम करते हैं तो उसमें से एक सॉल्यूशन निकल आया जी। लेकिन ये तो पूरा तरीके से रोबस्ट नहीं था, तो उसको हम करने के लिए हमने कहा कि आप ये प्रोजेक्ट के रूप में लीजिए, हमको और फंडिंग देने की ज़रूरत है तो वो भी देंगे और आप इसको कन्वर्ट कीजिए एक अच्छा सॉल्यूशन के रूप में। तो 55 टीम्स ने उसकी चुनौती ले ली और गत 6-7 महीने में हमने देखा है कि उसमें से 50% के ऊपर 80% तक वो संभावना है कि वो उसको डिजिटल सॉल्यूशन उस मिनिस्ट्री के लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कुछ उदाहरण भी दीजिए प्रोफेसर अनिल, सम ऑफ द आउटकम्स ऑफ 2017 एडिशन, व्हाट वर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड व्हाट सॉल्यूशंस केम आउट ऑफ इट। तो बहुत सारे सिंपल सॉल्यूशंस भी कुछ है, कुछ कॉम्प्लेक्स भी है। तो एक हाथ दो उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे AICTE ने बताया था कि हमको एक बड़ी चुनौती होती है कि एक कॉलेज में एग्जाम हो रहा है तो वहाँ कॉपिंग बहुत होती है, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट का कैसे हो, ऐसा एक मोबाइल ऐप आप जनरेट करो कि जिससे अटेंडेंस हो जाएगा, वही आदमी एग्ज़ाम ले रहा है कि नहीं वो भी चेक हो जाएगा। एक छोटा सा एक सॉल्यूशन उसमें से निर्माण हो गया। फिर AICTE जब अप्रूवल देती है कॉलेजेस की, तो कई बार वहाँ वो फैसिलिटी नहीं होती और है ऐसे दिखाते हैं। अच्छा। तो है वो GIS बेस्ड, वहाँ जाके वो
लोकेशन वही है कि नहीं वो चेक करने वाला एक सोल्यूशन निर्माण हो सकता है, ये हो गया। इसरो ने कहा था कि हम जब बहुत सारा यानी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह रहता है तो किसी जगह से कॉपी होकर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए विदाउट पेन ड्राइव हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड गेट द डेटा इनटू दैट। सो डू वी हैव अ सॉल्यूशन नाउ, विदाउट पेन ड्राइव वी कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर? दैट इज व्हाट इज बीइंग डेवलप्ड फर्दर। सो सच प्रॉब्लम्स, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स विच आर यूजफुल टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टू सोसाइटी, ऐसे वाले हैं। और 2018 के संस्करण की बात करें तो जहां 2017 में 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, इस बार ये आंकड़ा 1,00,000 से ऊपर चला गया। हाँ, इस बार हमने जब चैलेंज दिया स्टूडेंट्स को तो उनको लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस था उसके अनुभव के आधार पर इस बार हमारे यहाँ 1,00,000 के ऊपर स्टूडेंट्स ने अपनी आइडियाज़ दी हुई है, उसको शॉर्टलिस्ट करके करीब करीब अगेन 10,000-12,000 स्टूडेंट्स को हमने 28 सेंटर्स में इस बार भी हम हैकाथॉन करने जा रहे हैं। और एक बड़ा माहौल अच्छा से बन रहा है कि ओपन इनोवेशन मॉडल। तो जब आप ओपन वर्ड यूज़ करते हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ओपन इनोवेशन मॉडल है, तो ओपन के क्या मायने हैं? तो ओपन का ये माइंड है कि जो सॉल्यूशन निर्माण हो रहा है उसमें कोई सॉफ्टवेयर जो कमर्शियल है उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। अच्छा। ये स्टूडेंट अपने आप में डेवलप कर रहे हैं और जो भी यूटिलाइजेशन भी करेंगे तो जो फ्रीली अवेलेबल है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब निर्माण होगा तो वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें खर्चा नहीं आएगा उसमें से। और गौरतलब है कि इस महीने की 30 और 31 तारीख यानी 30th and 31st March ग्रैंड फिनाले होगा, जहां पर लगातार 36 घंटे टीम काम करती है, तो सोती नहीं है? नहीं, ये तो लास्ट ईयर का भी हमारा अनुभव है, 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा। 36 घंटे स्टूडेंट्स अपना बिल्कुल कभी भी न सोते हुए काम कर रहे थे। तो हम बहुत मजाक में कहते हैं कि जब हमारे क्लास में या एग्जाम में हम बताते हैं कि 3 घंटा बैठो तो बहुत बार चल बिचल होती रहती है, बट यहाँ 36 घंटे तक बिना सोए हुए स्टूडेंट्स काम कर रहे थे। इसका ये भी एक एक माहौल निर्माण होता है, उस माहौल में वहाँ कोलैबोरेशन है, कंपटीशन है, और हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही नहीं है, हमने उसमें अलग अलग चीज़ें भी इंसर्ट की थी, झुम्बा डांस है कभी। अच्छा। कभी योगासन करवाना है सुबह उठ के और कभी म्यूजिक लगाना है। तो बीच बीच में आधा घंटा एक घंटा अलग टाइप का रिलैक्सेशन करने के वजह से 36 घंटे कोई भी बिना सोए काम कर रहा था। तो जो टीम आपने कहा उसमें 6 सदस्य हो और जेंडर डाइवर्सिटी भी रहे कि उसमें गर्ल स्टूडेंट भी हो, तो वो टीम पहले से कुछ तैयार करके नहीं आएगी, बिल्कुल नए सिरे से वहां बैठेगी 30th March को? नहीं, तैयार तो कुछ थिंकिंग तो होगा, अपनी आइडिया जो है तो उसी के बेसिस में तो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था तो वो 6 लोगों ने मिलके इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए इसके बारे में सोचा तो होगा ही। अच्छा। उसके बाद में हमने जब अनाउंस किया कि आपकी टीम को सिलेक्ट किया गया है और आपको जयपुर जाना है या आपको दिल्ली जाना है या आपको आसाम में गुवाहाटी जाना है, तो 1-1.5 महीने का समय जो मिलता है उसमें स्टूडेंट्स उस विषय पर काफ़ी चिंतन करके इंटरनेट से हो या अलग अलग लोगों से, मिनिस्ट्री के लोगों से बातचीत करते हुए कुछ ना कुछ उसमें अपना एक सॉल्यूशन कैसे निर्माण करना है करके आते हैं, लेकिन कुछ भी तैयार करके नहीं आ सकते, वहाँ बैठ के उसी 36 घंटे में उनको एक सॉल्यूशन को निर्माण करके देना है। तो टीम में स्टूडेंट्स के साथ साथ मेंटर्स भी हो सकते हैं? हाँ, मेंटर्स भी हो सकते हैं, इनफैक्ट हमने 2 मेंटर्स की सुविधा दी है, एक अपने इंडस्ट्री का कोई भी उसके रिलेटेड जो है उसको मेंटर बना सकते हैं, या अपने कॉलेज के कोई प्रोफेसर है जिसको उसमें रुचि है, जिसको उसमें ज्ञान है, उसको भी कर सकते हैं और मेंटर को भी ले आ सकते हैं, और मेंटर इनको उस 36 घंटे में मदद जरूर कर सकते हैं, उनका मदद ले सकते हैं जी, बाहर किसी की मदद और इंटरनेट के माध्यम से उस समय पे मदद नहीं ले सकते। अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से नहीं मदद ले सकते, मेंटर जरूर मदद कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया प्रोफेसर अनिल कि 6 सदस्यों की टीम रहेगी, 2 मेंटर्स हो सकते हैं, तो ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें कौन भाग ले सकता है? नहीं, हमने तो ये ओपन किया है टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम के लिए, इसमें ऐसा नहीं है कि ओनली इंजीनियरिंग। अच्छा। तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आर्किटेक्चर के विद्यार्थी हो या मैनेजमेंट के विद्यार्थी हो, तो इनको भी इसमें, फार्मेसी के विद्यार्थी हो। अच्छा। इनको यदि पार्टिसिपेट करना है उस प्रॉब्लम के साथ, कुछ उनके आइडियाज़ है तो वो भी जुड़ सकते हैं। पर जैसे कॉस्टिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा है, या मान लीजिए IPR इशू है तो कोई वकालत से जुड़ा है, अगर वो भी टीम का हिस्सा बनना चाहें? तो आज के दिन हमने एक कॉलेज के छात्रों के लिए कहा है। अच्छा। तो इसलिए आज के दिन मेंटर्स बाहर के हो सकते हैं, फिर मेंटर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। अच्छा। हो सकता है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन हमारे जो छात्र है वो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से हमने लिए थे, प्लस जो NITs IITs जैसी संस्थाएं हैं उनसे भी हमने मांगा था,
कुछ एनआईटीज आईआईटीज के छात्र भी इसमें लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और इस बार और ज्यादा प्रमाण में कर रहे हैं। तो इस बार क्या नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अगर व्यूअर्स देखना चाहें तो mygov.in पे जाके उपलब्ध हैं ये सब? ये सभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमने करीब करीब 2.5 महीने से वेबसाइट में दी हुई थी, उसके बेसिस ही हमारे छात्रों ने अपनी सोल्यूशन की आइडियाज हमको प्रदान की और उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लिया था। अच्छा। नैसकॉम हो या अलग अलग बॉडीज जो है इंडस्ट्री की बॉडी है उनका भी मदद लेते हुए हमने उसमें से चुने हुए अच्छे आइडियाज को एक्चुअल 36 आवर के लिए बुलाया जा रहा है। अच्छा, तो कुछ उदाहरण इस बार की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के? तो मैं आपके I&B मिनिस्ट्री का ही उदाहरण ले सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम काफ़ी हो चुके होते हैं लेकिन यदि हमको ट्रैक करना है तो उसको मुसीबत होती है कि 2002 में कौन सा प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। तो ये जो आर्काइव आप करते हैं तो आसानी से सब्जेक्ट वाइज उसको निकाला जा सके और मुझे किसी विषय में रुचि है तो उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप स्टूडेंट्स को करने के लिए एक मौका दिया गया है। जी। इसी तरफ हम हमेशा टीवी में देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। जी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे क्रिएट होता है? तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन मेनी टाइम्स सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड हाउ पीपल फॉलो इट ऑन फेसबुक ट्विटर। तो उसको एनालाइज करते हुए ये यदि आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है देश में जी। तो इसका भी एक संयोजन हो तो सकता जैसे व्यूअर्स कोई कार्यक्रम देख रहे हैं और बिग डेटा की मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं व्यूअर्स का बिहेवियर भी। यस, व्यूअर्स का बिहेवियर भी देख सकते हैं कि कैसे वो सोच रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। तो ये सब करने के लिए जो डेटा एनालिटिक्स चाहिए तो उसका भी सॉफ्टवेयर इस 36 घंटे में स्टूडेंट्स यदि तैयार करके देंगे और उसके बाद में उसको यदि प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाएगा तो उसका बाद में डिपार्टमेंट इस्तेमाल भी कर सकता है। तो जैसा आपने कहा चाहे आर्काइव्स की बात हो, ये तो बात रही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की, अगर हम गंगा एंड रिवर्स और इस मंत्रालय की बात करें तो वहाँ पर क्या चुनौती है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम पानी का संरक्षण करें, नदियों का बचाव करें। नहीं, नदी के बारे में एक बहुत बड़ा योजना है उसमें, यानी अपनी वाटर रिसोर्सेस और गंगा क्लीनिंग जो है उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स काफ़ी आए हुए हैं। अच्छा। तो हमको 2-3 चीज़ें करनी पड़ती है, पहले तो कहाँ अनक्लीन है वो देखना है, तो कोई सेंसर डेवलप करके उससे माध्यम से रिमोटली पता चल जाएगा कि इस जगह में गंदगी ज़्यादा हो रही है। अच्छा। तो तुरंत वहाँ जाके उसको स्वच्छ करने की योजना हो सकती है और किसी जगह में स्वच्छ ऑलरेडी है तो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते हुए दूसरे जगह में करना है। तो इस तरफ से इधर यूजिंग द स्कैनिंग, यू नो, यूजिंग सेंसर्स, फोटोग्राफी और इवन जो सैटेलाइट इमेजेस है उसके माध्यम से कैसे हम अपनी रिवर्स को अच्छे कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में कई प्रॉब्लम्स हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। इसको यदि इस बार हमारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया तो वो खुद अपने एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी लायक हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो खुद की इंडस्ट्री भी खोल के उसके माध्यम से अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो आज गुड इवनिंग इंडिया में हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे के साथ जो कि चेयरमैन हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड के और बातचीत हो रही है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 पर। ये दूसरा संस्करण रहेगा 30 और 31 मार्च, बहुत रोचक है। लेकिन इस बार एक और नई चीज़ जो हो रही है जो कि पहले संस्करण में नहीं थी कि सॉफ्टवेयर के अलावा इस साल आप कह रहे हैं कि हार्डवेयर में भी इनोवेशंस आएंगी। यस, आ रही है। इस बार हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे वो करीब करीब 340 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स सॉफ्टवेयर के लिए है। अच्छा। और 64 यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो हार्डवेयर के लिए है, जैसे कि हमारे विकलांग विद्यार्थी है या विकलांग आदमी है उनके लिए सुविधा होने के लिए कुछ गैजेट्स बनाए जाए, यदि चेयर है जिसमें वॉइस मॉड्यूलेटेड वो मूवमेंट हो सकता है या चढ़ने के लिए सीढ़ी के साथ साथ कैसे वो चढ़ सकेंगे, ऐसे कुछ विकलांगों के लिए हो सकता है, अंधों के लिए कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ यदि सॉल्यूशंस हम हार्डवेयर के रूप में बनाएंगे तो उसको समाज के लिए भी उसको बहुत सारा फ़ायदा होगा और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने जो किया उसको इस्तेमाल हो जा रहा है और उसके वजह से मैं समाज के प्रति मेरा कुछ ना कुछ देना है वो वापस लौटा रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग हो सकती है। आप बता रहे थे प्रोफेसर साहब जैसे वॉइस कॉलिंग और इसके कुछ मॉड्यूल्स तो हम देख भी रहे हैं कि हमने मान लीजिए आवाज़ में ही कुछ कहा और मशीन समझ गई, तो इसमें और भी स्कोप है अभी इनोवेशन का? तो उसमें स्कोप है क्योंकि आवाज़ की अलग अलग उनकी फ्रिक्वेंसीज हो सकती है, तो किसका आवाज़ है
तो किसी समय पे हमको इसका भी जरूरत हो सकती है कि किसने कहा और कमांड और किसने किया है, तो इसके लिए उसमें भी सुविधा हो सकती है। सिक्योरिटी एंगल से भी उसमें देखा जा सकता है। और अपना कंप्यूटर चलाने के लिए तो जो अंध है या विकलांग है उसके लिए एक कमांड दे दिया और वो कंप्यूटर से चल गया, तो कितनी बड़ी सुविधा होगी। बिल्कुल। सिमिलरली कोई किताबें होती है जो ब्रेल में होती है तो वो अंधा आदमी पढ़ सकता है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक्स है, नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स जो ब्रेल में नहीं है, उसको कैसे वो पढ़ सकता है, वो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके कैसे सुन सकता है। ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर टुगेदर आल्सो कुछ सॉल्यूशंस है जिसके माध्यम से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो हाउ डू वी इग्नाइट द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन अमंग पीपल एट लार्ज? हाउ टू एस्टैब्लिश क्यूरियोसिटी? डज इट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन? एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर द एरियाज यू वुड वांट पीपल एट लार्ज टू रियली अप्लाई देयर माइंड ऑन? इनफैक्ट अपने जो ह्यूमन बॉडी में 5 senses है ना, इसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो अपने आप हमको अलग अलग नए नए प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ भी उत्पन्न होती रहेगी। हम कई बार हम रास्ते में जा रहे हैं लेकिन वहाँ स्वच्छता नहीं है तो हम सिर्फ कमेंट करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसको मैं एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाऊँगा, मैं उसको साफ़ करूँगा, या कहाँ गंदगी है उसका सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा, या कूड़े का डिब्बा जो है, लास्ट ईयर और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, कूड़े का डिब्बा जब फुल हो जाता है तो बाहर गिरना चालू होता है, तो वहाँ यदि सेंसर बिठाएंगे और वो फोटोग्राफिक कैमरा से कॉर्पोरेशन को बताएगा कि ये कूड़ा फुल हो गया है तो वहाँ व्हीकल भेज के उसको साफ किया जाए। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम इनोवेटिव माइंड अपना इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्यूशंस अपने आप डेवलप हो। और हार्डवेयर के क्षेत्र में एक एग्जांपल और शेयर कीजिए, जैसे आप बता रहे थे गन्ने के फसल में किसान गया तो वहाँ क्या हो सकती है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन? नहीं, गन्ने की फसल हो, किसी भी फसल हो, कई बार रोग होते हैं जी, तो उसके वजह से क्रॉप नुकसान हो जाता है, तो यदि वही अगेन सेंसर के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से, GPS के माध्यम से, अपने सैटेलाइट के माध्यम से, यदि हम एडवांस में पता चलता है कि यहाँ ये समस्या है तो उसके एक्सपर्ट्स को वो चला जाएगा, तो वो एक्सपर्ट बताएगा कि इसका सोल्यूशन ऐसा है कि तुरंत आप ये करेंगे तो ये आपका गन्ना जो है वो सेफ रहेगा, तो इमीडिएटली वो अपना इस्तेमाल करके मोबाइल में अपना मैसेज आ जाएगा, उसके हिसाब से अपनी क्रियान्वयन वो कर सकते हैं। तो अब जब 30 और 31 मार्च को 100,000 से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा आपने कहा देश भर में अलग अलग राज्यों में वेन्यूज हैं, और मान लीजिए उन्होंने कोई इनोवेटिव सोल्यूशन बना दिया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस टीम का होगा, मंत्रालय का, AICTE का, किसका? हमने हमेशा कहा है कि जिन्होंने ये डेवलप किया है उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो ये छः छात्रों की जो टीम है तो इनका ये जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जिस मंत्रालय ने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दिया है उनको फर्स्ट यूज़ के लिए, उनके लिए चार्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया हुआ है। ओके सर, लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट योर ओन जर्नी। यू नो यू पास्ड आउट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन 1980 फ्रॉम BVB कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। Yes. How have things evolved as regards innovation from 1980 to now nearly 4 decades later? I think innovation ka mahatv us time mein bhi utna hi tha, lekin wo istemal nahi ho raha tha. To us samay bhi jo parikshaye hoti thi usme innovation ke liye scope hona chahiye tha, lekin wo hamesha bookish knowledge hota tha. To aaj hum jo curriculum wagera define kar rahe usme har jagah mein innovation kaise aa sakta hai wo dekh rahe, whether it is in question papers, how we will understand the understanding of the student, तो और practical skill sets कैसे develop कर सकते हैं, industry में जाके internship कैसे कर सकता है, और ये hackathon is very powerful tool कि जिसके माध्यम से student के सामने जो एक समस्या दिखाई दी तो उसको मैं कैसे solve कर सकता हूँ, और एक problem को एक ही solution नहीं होता है, अलग अलग solution होते हैं, इसीलिए hackathon में यहाँ collaborative work तो है साथ साथ में कंपटीशन भी है। जो 10 टीम को हमने चुना, 4 टीम को चुना है उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो अलग अलग ढंग से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और उससे अच्छा से अच्छा जो सॉल्यूशन निकलता है उसको हम प्राइज भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कोलैबोरेशन कंपटीशन दोनों है। और क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका पसंदीदा विषय है, खासतौर पर इस विषय पर इनोवेशन का क्या स्कोप है? नहीं, इनोवेशन का स्कोप सभी डिसिप्लिन्स में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब जब देख रहे हैं आजकल सब बात चल रही है कि मशीन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ों में देर इज़ ए मैरिज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, ये सब होता है। तो इसलिए अभी आज कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एक ही डिसिप्लिन का है, तो इसलिए हर डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन के बारे में थोड़ी तो जानकारी होनी चाहिए, और इसको एक साथ में कैसे जोड़ के हम उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं।
तो इसलिए छोटे से छोटे मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है. इट्स नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इट हैज़ मैकेनिकल कंपोनेंट इनटू इट, इट हैज़ कंप्यूटर चिप है तो उसमें वो भी कंपोनेंट है, उसमें विजुअल है तो ऑप्टिक्स इन्वॉल्व है. तो ऐसे हर प्रोडक्ट में आज के दिन सारे डिसिप्लिन के विषय होते हैं. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऐसे ही स्कोप है. स्पेशली नया मशीनिंग जो है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जल्द से जल्द प्रोडक्ट जैसे बना सकते हैं, उसकी रैपिड प्रोटोटाइपिंग के ऊपर बहुत सारा जोर है आज के दिन. सो इवन एज वी कम टू कंक्लूड आवर कन्वर्सेशन प्रोफेसर अनिल, सिंस AICTE इज द टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रेगुलेटर ऑफ आवर कंट्री, डू यू थिंक इन इंडिया वी नीड मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस? डू वी नीड टू चेंज सम करिकुलम? हाउ डू वी बिल्ड इन इनोवेशन? हाउ डू वी हैव मोर इंक्यूबेटर्स इन एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज? आई थिंक ज़्यादा कॉलेज की आज जरूरत नहीं है हमारे. अच्छा, जो कॉलेजेस है उसको कंसोलिडेट करना है, अच्छा बनाना है, क्वालिटी इनिशिएटिव्स करनी है. तो एक तो करिकुलम हो गया, दूसरे है हमारी एग्जाम रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से स्टूडेंट्स को आउटकम्स मेजर करने की बात है, वो चलनी चाहिए, नॉट एक्सप्लेन द टर्म्स वगैरह वगैरह, क्वेश्चन पेपर नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर भी हमारा भर है. और टीचर ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, टीचर्स को भी पहले ठीक तरह से बनाना है. तो टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हम बनाए जा रहे हैं, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आपने जैसे कहा, हर इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन सेंटर होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल होना चाहिए. और इंडस्ट्री के साथ जोड़कर अपना हमेशा काम करते रहेंगे, वहाँ के फैकल्टी को एक्सपर्ट लेक्चर के लिए बुलाएंगे, तो मेरे ख्याल से 21st सेंचुरी इंजीनियर को हम बना सकेंगे. पूरे देश में विदेश में हमारे इंजीनियर्स छा जाएंगे. एंड द 21st सेंचुरी इंजीनियर मे हैव अ ग्रीवांस अगेंस्ट यू दैट व्हेन दे वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, यू नो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इज दिस एफर्ट एंड टाइम काउंटेड एज देयर रेगुलर एकेडमिक परस्यूट? वी आर आस्किंग आवर वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज दे हैव बीन पुटिंग इन सो मच एफर्ट एंड देयरफॉर दैट शुड बी गिवन क्रेडिट. और हर कॉलेज में प्रोजेक्ट्स तो होते ही है, तो इसको भी एक प्रोजेक्ट मानकर यदि उसको ग्रेडिंग की जाए तो उनका एफर्ट जो किया है उसका समाधान उनको भी मिलेगा और कॉलेज को भी उसका फायदा होगा. तो जैसा आपने कहा, कैलगरी से हैकाथॉन की शुरुआत हुई थी कई साल पहले, अब यहाँ से क्या हम भारत में और भी हैकाथॉन देखेंगे? और ये 36 घंटे का एक फिक्स फॉर्मेट है जहाँ पर लगातार आप 36 घंटे बैठें, टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करें और भारतीय चुनौतियों का समाधान ढूंढें. मेरे ख्याल से हैकाथॉन 36 घंटे का होना चाहिए ऐसा कहीं नहीं है. अच्छा, हमारे फॉर्मेट में 36 का है. अच्छा, कई जगह में 24 घंटे का होता है, कहीं 48 घंटे का भी होता है. तो हमने एक बीच में से रास्ता निकाला, 36 घंटे ठाक ठीक है. और ये 36 घंटे सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए फिर ज्यादा है. हार्डवेयर के लिए 5 दिन का है हमारा. अच्छा, और उसमें सोने के लिए परमिशन है, ऐसा नहीं है कि 5 दिन अपना विदाउट सोइंग. तो 5 दिन भी कंटिन्यूस होने चाहिए प्रोफेसर? 5 दिन कंटिन्यूस है, लेकिन वो 4-5 घंटे 6 घंटे रेस्ट लेके फिर आएंगे, क्योंकि उसमें वर्कशॉप में एक्चुअली काम करना पड़ेगा, असेंबली करना पड़ेगा, हार्डवेयर है उसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग करना पड़ेगा, तो वो एक अलग मीडियम है. और मेरे ख्याल से हमने जो शुरू किया है, शुरू भले वो बाहर के देश में हुआ होगा, तो बड़े पैमाने पर करने में और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को उसको उसमें लाने में ये हम बहुत सक्सेसफुल है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैकाथॉन हमारा बन गया है. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैकाथॉन जो है AICTE का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बन गया है. चलते चलते जो प्रिंसिपल्स कार्यक्रम देख रहे हैं स्कूल्स के या कॉलेजेस के या कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के, क्या वह अपने रिस्पेक्टिव स्कूल कॉलेज में भी आप कहेंगे हैकाथॉन जरूर करवाएं? ऑलरेडी वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, कई राज्यों में अपना स्टेट लेवल का हैकाथॉन शुरू हो गया है. अच्छा, तो कॉलेज लेवल में भी कई जगह में हो गया है. तो आई थिंक ये कैस्केडिंग इफेक्ट है. और सबसे पहले मैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हमारे मिनिस्टर जो जावड़ेकर जी है, उन्होंने सपोर्ट किया. और पिछले साल का जब हैकाथॉन हुआ, रात में 10 से 11 बजे तक खुद प्रधानमंत्री जी स्टूडेंट के साथ जो बातचीत की और जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन इन सब लोगों ने दिया है, मिनिस्ट्री ने दिया है, सारे मिनिस्ट्री ने दिया है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसमें. जी बिल्कुल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को हमारी भी शुभकामनाएं कि उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ये पहल की है. और 30 और 31 मार्च के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज कार्यक्रम में आके हैकाथॉन पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच सर. धन्यवाद.